उसकी आ गया। रिपोर्ट देखिए। पूर्व सांसद दाऊद अहमद का आज अवैध निर्माण गिराया जा रहा है। देखते ही देखते लखनऊ प्रशासन ने करीब 100 करोड़ की लागत से बनी इमारत को जमींदोज कर दिया। दरअसल ये बिल्डिंग बसपा के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की, जिसे प्रशासन ने अवैध घोषित करते हुए अपना हथौड़ा चला दिया। हालांकि एलडीए की ओर से इस अवैध बिल्डिंग को गिराने की कोशिश पहले भी की गई, लेकिन रसूख और कागजों में फंसा कर इसको रोक दिया गया था। लेकिन बहुमंजिला इमारत को किया जमींदोज। पूर्व सांसद दाऊद का अवैध निर्माण ध्वस्त। 100 करोड़ की लागत से बनी थी इमारत। हाईकोर्ट और एलडीए ने ध्वस्तीकरण के दिए आदेश। पुरातत्व विभाग के रिमोट एरिया में थी बिल्डिंग। देखिए, ये लीगल बिल्डिंग है और एएसआई एक्ट के अंतर्गत, रूल्स के अंतर्गत ये नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है यहाँ पे बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की। दरअसल रिवर बैंक कॉलोनी में दाऊद अहमद ने बहुमंजिला बिल्डिंग खड़ी कर रखी थी, और तो और निर्माण के लिए पुरातत्व विभाग से एनओसी तक नहीं, जबकि विभाग बार बार नोटिस जारी कर रहा था। ऐसे में बताते हैं कि कौन है दाऊद अहमद। 1999 से 2004 तक शाहबाद सीट से सांसद रहे, बसपा के टिकट पर सांसद रहे। 2007 से 2012 तक पिहानी हरदोई से विधायक रहे। साल 2019 में बसपा से निकाले गए। बावजूद इसके अवैध निर्माण को नहीं गिरवाया गया, लेकिन अब लखनऊ प्रशासन ने नगर निगम, एएसआई और पुलिस विभाग के साथ मिलकर बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया, क्योंकि यह बिल्डिंग रेजिडेंसी के नजदीक है और इस सीमा के अंदर ऊंचे ऊंचे निर्माणों पर वो। पूर्व सांसद दाऊद अहमद का आज अवैध निर्माण गिराया जा रहा है। दरअसल ये अवैध निर्माण जो है वो काफी पहले बना था। सबसे पहले इसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसका नक्शा पास किया था, और उसके बाद जब पुरातत्व विभाग ने आपत्ति जताई तो ये नक्शा निरस्त किया गया। हाईकोर्ट से इसको गिराने का आदेश भी हुआ था, और अब ये कार्रवाई शुरू की गई है। और ये बताया जा रहा है कि लखनऊ में जो भी अवैध निर्माण है उनको गिराने का काम तेजी के साथ किया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण गिराएगा और उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन तमाम जगहों पर देखा जा सकता है कि 16-16 मंजिलें इमारतें बनी हुई हैं, उन पर अभी तक कोई फिलहाल कार्रवाई नहीं की गई है। कैमरामैन अरशद के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया